फ्रेंड्स, दिस इज़ उमर। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कुछ डिफरेंट होने वाला है। एक्चुअली आई हैव केम हेयर टू कश्मीर एट माई होम। राइट नाउ आई एम इन श्रीनगर। सो आज मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बिकॉज नाउअडेज देयर इज़ अ पैनिक सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एज नाउअडेज आई एम एन्जॉइंग विद माई फैमिली द टाइम, जो भी है, बैठना, बातें करना, खाना पीना, तो ये सब अभी हम एन्जॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए तो घर वालों ने एक अपने मेरे सामने एक ख्वाहिश रखी कि मैं एक रेसिपी उनके लिए बनाऊँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में काफ़ी फेमस हूँ इस चीज़ के लिए। बट आई डोंट नो, इट विल बी वेरी लिटिल एंड सिंपल एज पॉसिबल। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सडनली प्लान हुआ, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो सडनली प्लान हुआ, सो आई हैव केप्ट द इंग्रेडिएंट्स आल्सो वेरी लिमिटेड, एंड यू विल कम टू नो आल्सो कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियो, यू विल गेट टू नो बट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर। तो फ्रेंड्स, इस जो रेसिपी के लिए हमें चाहिए एक दूध, 2 कप्स ऑफ दूध, जिसके लिए मैंने बड़ा वाला कप रखा हुआ है। और आपको पता चल ही गया है, आइडिया मैंने आपको पहले ही दिया था कि हम बनाने वाले हैं आज सेवैया। एंड इसके लिए हमें चाहिए शुगर, एज़ वी आर यूजिंग शुगर फ्री, तो हम ज़्यादा शुगर वगैरह फैमिली में खाते नहीं हैं। एंड दिस इज़ घी, घी का इस्तेमाल होगा। और मैंने इसको बहुत ही कन्फाइंड मतलब रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किए हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स एट्सेट्रा। बट स्टिल हमने यहाँ पे थोड़ा सा नारियल हमारे पास था अवेलेबल, तो हमने वही पे काम चलाएंगे। तो और हमारे पास है एक पैन और नारियल के पीसेस, और हमारे पास घी, सेवैया, शुगर एंड मिल्क। तो सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। आप देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ घी कितना है, तो ये हाइपोथेटिकली हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो You can see some pieces of ghee. आप देख सकते हैं कि इसमें देखो ये पिघलना स्टार्ट हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो जब तक ये थोड़ा मेल्ट वेल्ट हो जाएगा तब तक हमें वेट करना है। अभी का जो प्रोसीजर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम पहले ये जो हमारा घी है इसको मेल्ट होने देंगे। जब तक ये सारा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सिवैया जो है वो इसमें डाल देंगे, उसको इसमें थोड़ा फ्राई वगैरह करते हैं, और बाकी अब मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो सेकंड जो हमारा स्टेज है, इसमें हमें इस जो हीटर की हीटिंग को थोड़ा कम करके, अभी मैंने 2000 पे रखा हुआ था, अभी 1000 पे कर दिया। और नाउ आई एम गोइंग टू पुट द सिवैया इनसाइड दिस। इसको थोड़ा काट के इसमें डालते हैं सो दैट वी कैन रोस्ट इट। इसको रोस्ट करना है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अगर इसमें अभी भी घी थोड़ा कम पड़ेगा तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे थोड़ा और ब्राउन करना है, और तो हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि हम इसमें मिल्क को ऐड करेंगे। बट इसमें थोड़ी सी क्रीम भी है, तो आप मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप क्रीम वगैरह ना डालें इसमें, क्योंकि वो फिर भी ऊपर ही रह जाता है। तो अभी हम इसमें हमने इसमें दूध डाल दिया, हीट को कम कर दिया, और साथ ही हम इसमें जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देंगे, जो भी आपके पास होगा। डालते ही इसमें अपनी हीट बढ़ानी है, 18 पे मैंने कर दिया है। अब इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखना है, क्योंकि जब ये पकेगा उसके बाद इसमें शुगर ऐड करना है। क्योंकि अगर शुगर पहले ही ऐड कर देंगे तो इसमें फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका जो ये दूध है वो फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा, तो पूरी मेहनत वेस्ट। और इसमें मैंने 1.5 कप दूध डाला है। आप पानी भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें शुगर ऐड कर रहा हूँ।
ये शुगर फ्री है, तो आप नॉर्मल वाला शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, वही वैसे तो वही यूज़ करते हैं तो, बट शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल आपको स्टेयर करते रहना है, क्योंकि जब तक ये घी नहीं छोड़ेगा तब तक आपने इसको नहीं छोड़ना है। डिफरेंट टेस्ट होते हैं लोगों के, सम पीपल लाइक जिसमें दूध जैसा हो, लाइक बहुत ही थिन हो, क्योंकि हम सब पहले से यही खाते आ रहे हैं, मतलब सॉलिड सा, जिसमें ज़्यादा मतलब तरी ना हो, ग्रेवी टाइप ना हो, तो इसलिए वी प्रेफर इट विदाउट ग्रेवी लाइक। और बस फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो लाइक ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं और ज़्यादा ऐसी वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।